हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बर्ड फीडर का यूज़ क्या होता है, बर्ड फीडर से क्या क्या किया जा सकता है और बर्ड फीडर का क्या फ़ायदे क्या होते हैं हमारे खरीदने से इसको। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो फिर मैं आपको आज अभी बताता हूँ कि बर्ड फीडर से क्या फ़ायदे होने वाले हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं, पर्टिकुलर होल्स है इधर, तो वो होल्स से बर्ड अपना खाना खाती है इधर से, और जितना भी उसका वो साइड का कवरिंग्स रहते हैं, भूसा वगैरह रहता है, वो सब इधर आके, प्लेट दिया हुआ है इधर, ये प्लेट है पूरा, ये प्लेट में आके गिरता है। ओके, तो फिर अभी ये देखिए, यहाँ पे चार कॉलम्स रहते हैं टोटल इधर खाने के लिए, और यहाँ पे डंडा दिया हुआ है ताकि यहाँ से बैठ के इनको ईजी हो खाने के लिए यहाँ से। ओके, फिर अभी यहाँ पे एक वाइट कलर की बर्ड बैठी है, अभी इधर खाने के लिए आ रही है वो। अभी एक्चुअली हम लोग नया नया खरीदे इसलिए अभी इनको ज़्यादा आदत नहीं हुई है, स्टार्टिंग में इनको थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में इनको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, पर ये जल्दी सीख जाएंगे। हाँ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसे खोला कैसे जाता है, इसमें दाना कैसे भरा। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों साइड जगह दी है, अंदर हाथ डालने का जगह रहता है, ये दोनों खोलिए, दोनों अपने हाथ डालिए अंदर, फिर इधर से ऐसे इधर आइए, ऐसे एक नीचे एक ऊपर हाथ पकड़िए, फिर इधर से ऐसे गोल घुमा के खोल दीजिए, इसे ध्यान रखिए गिरना नहीं चाहिए। ये खोल दिया, फिर अपना हाथ निकालिए इससे बाहर, इधर एक बड़ा जगह रहता है, इधर बड़ा कॉलम ऐसे खोलिए। ओके, फिर यहाँ ये है इधर, इसको ध्यान से निकालिए, और ध्यान ध्यान रखिए इस बात का कि बर्ड ना उड़े, क्योंकि तो बर्ड एक्चुअली इसी मौके का इंतजार में रहते हैं कि उड़ जाए। ओके, आपको रखा फिर बाहर निकाला, थोड़ा सा ही डालूंगा क्योंकि मेरा वो भर चुका है, ऑलरेडी भरा हुआ है मेरा बर्ड फीडर, इसमें ही डाल दिया, भर दिया, इसको ऐसे डालना है, पहले ऐसे हल्का सा शेक कीजिए ताकि ऊपर का पूरा दाने का वो सेटल हो जाए। राइट, ये सेटल हो गया, फिर से बड़ा एरिया खोलिए और इसको ज़्यादा टेढ़ा मत कीजिए क्योंकि इसमें जो होल्स रहते हैं इधर साइड में आप देख सकते हैं, इसमें से दाना गिर सकता है, इसको सीधा सीधा ही अंदर डालिए, अगर जितने भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह कुछ रहता है अंदर डालते समय वो सबको हटा दीजिए ताकि अंदर डालने में आपको ईजी हो। फिर से दोनों साइड खोलिए, अंदर अपना हाथ डालिए, एक ऊपर ढक्कन को पकड़िए और एक नीचे इसको, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आराम से खींचे इसको, नहीं तो कुछ भी नीचे गिर सकता है अपने हाथ से बोल के, इधर घुमाइए और आप इसको बांधने के लिए आप ये चेन भी यूज़ कर सकते हैं, धागा यूज़ कर सकते हैं, तार यूज़ कर सकते हैं, एज़ पर योर विश, आपको जो चाहिए आप वो यूज़ करके इसे बांध सकते हैं। और फिर इससे दाने का आपका वेस्टेज नहीं होगा, ये एक बड़ी बात है कि आपका वेस्टेज नहीं होगा, आपको यहाँ के कहीं भी पेट शॉप्स में मिल जाएगा आजू बाजू के। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आवर चैनल।